हेलो फ्रेंड, काशी कृपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष यानी हिंदू नव वर्ष की और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का दिन, आप लोगों का नौ दिन का जो भी पूजा पाठ भक्ति करते हैं, व्रत रहते हैं, उनका समय लेके अपने बुआ के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल का ये वीडियो है और हम अपलोड नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले नवरात्रि की सारी तैयारी करते हैं और नए वस्त्र खरीदते हैं भगवान जी के लिए। तो नारियल चुंदरी माँ के लिए लेते हैं, श्रृंगार का सामान लेते हैं और उसके बाद सारे वस्त्र अपने लड्डू गोपाल को, लक्ष्मी गणेश को, सबके लिए नए वस्त्र ही पहनाते हैं गणेश को। तो यहाँ पर मार्केट आ चुके थे अपने के साथ और सारा चीज़ यहाँ से खरीद रहे थे क्योंकि नवरात्र का पहला दिन था तो सारा चीज़ नया होना चाहिए। और फिर यहाँ पर हम ये सारा सामान अपने भगवान जी के लिए और दुर्गा माँ के लिए खरीदे और बहुत ही सुंदर सुंदर मार्केट में लड्डू गोपाल के वस्त्र आए थे। तो वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारा चीज़ लेने हमें लड्डू गोपाल का वस्त्र खरीदना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर अच्छी सी रौनक हो चुकी है नवरात्र की। फिर उसके बाद रात में आए, खाना पीना खाए और सो गए। सुबह हो गई यानी कि नवरात्र वाले दिन का ये ब्लॉग है सुबह का, जिस दिन हम लोगों को व्रत रहना है, पूजा करना है। तो यहाँ उठते ही सबसे पहला मेरा काम था पूरे घर को अच्छे से साफ करना, धुलना और सफाई करना, क्योंकि लोग कहते हैं माँ आने वाली हैं तो घर में बिल्कुल गंदगी नहीं होना चाहिए। ऐसे तो लोग थोड़ा बहुत रह जाते हैं कि चलो बाद में सफाई कर लेते हैं या नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता है। हमको लगता है हर दिन मेरा ये हाल है कि नहीं, मेरी सबसे अच्छी पूजा होती है मेरे घर की साफ़ सफाई, मेरा किचन चमकता रहे, घर की सफाई रहे, कहीं भी गंदगी ना हो, तो सबसे बड़ी पूजा हमें लगती है मेरा यही है। तो हम साफ़ सफाई में बहुत ही ज़्यादा मेरा दिमाग रहता है तो गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हमसे। तो सुबह सो के उठे और पूरे घर को धुलना शुरू कर दिए, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई अच्छे से कर दिए क्योंकि हमें मंदिर भी जाना था दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई हो गई। पेड़ पौधों में पानी डाल दिए हैं, कपड़ा धुल दिए थे और अभी थोड़े से कपड़े पड़े थे धुलने के लिए। तो ये सारा काम करने के बाद ही हम नहाए धोए और मंदिर गए पूजा करने के लिए। तो मंदिर से आ गए थे दर्शन करके, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पहला दिन था। तो मंदिर से आने के बाद यहाँ पर घर पे माँ की पूजा शुरू कर दिए। तो नौ दिन बैठ के माँ का पाठ पढ़ते हैं, नौ दिन पाठ होता है मेरा। तो यहाँ पर सुबह अपना पाठ किए और फिर आरती किए, माँ को हम नारियल चुंदरी ये श्रृंगार का सामान ये सारा चीज़ चढ़ाते हैं पहले दिन क्योंकि व्रत भी रहते हैं और आखिरी दिन भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ हो गई है, आरती हो गई है, कपूर की आरती हो गई है। तो बहुत अच्छा लगता है जिस दिन माँ का त्यौहार होता है, पूजा पाठ होता है, तो और दिन से हटके ये पूजा पाठ वाला दिन हमें बहुत ही पसंद है। मेरा मन बहुत खुश होता है और बहुत ही शांति मिलती है पूजा पाठ करने में। तो मेरे सारे भगवान जी लोग नए वस्त्र धारण कर चुके हैं। तो ये नारियल का जटा हम रखे थे, इससे हम
पूरे घर में लोबान जलाते हैं 9 दिन तक पूरा, ऐसे भी हर दिन हम शाम को जलाते हैं, नवरात्र में भी 9 दिन पूरा लोबान जलता है घर में, धूप दिखाते हैं और लोबान जलाते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी, तो नारियल के जटे में डाल दिए थे कपूर और फटाफट जलने लगा, और ये लोबान था, लोबान को डाल दिए, पूरे घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर यहाँ पर ये लोबान बहुत अच्छे से जल चुका है, तो यहाँ पर माँ को पहले दिखाएंगे, माँ को अच्छे से अगवानी कर लिए हैं, दिखा दिए हैं, उसके बाद आते हैं पूरे घर में दिखाते हैं, पूरे घर में धूप दिखाते हैं, जल छिड़कते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा डेली का काम है, डेली रूटीन में ये रहता है। मंदिर गए थे तो मंदिर से लाए थे ये प्रसाद, नारियल माँ को चढ़ाए थे, और माँ को अड़हुल का फूल बहुत पसंद है तो ये चढ़ाए थे। तो आप लोग भी प्रसाद को ग्रहण करिए। तो यहाँ पर हो गया था मेरा पूजा पाठ, उसके बाद फलारी बनाने की तैयारी हो गई थी। तो आलू, कच्चे आलू को अच्छे से काट लिए थे क्योंकि इसकी पकौड़ी बनानी थी हमको। व्रत होंगे, यहाँ हम लोग भी व्रत हैं, मेरे हस्बैंड व्रत हैं, तो यहाँ हम बनाने लगे हैं ये व्रत वाली पकौड़ी जो जा रहे हैं फ्राई करने, और इसके साथ बनाएंगे चाय गर्मा गर्म। अभी तो चल रहे हैं ये पकौड़ी बनाने। तो जब पकौड़ी बनती है तो बच्चों को भी बहुत ही पसंद है, तो एक लोग के लिए नहीं बनती है, तो बच्चे भी खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, और सबका नाश्ता भी अच्छे से इसी का हो जाता है, ये पकौड़ी अच्छी भी लगती है। तो यहाँ गर्मा गर्म चाय बन गई, इसमें अदरक डाले थे, तुलसी की पत्ती चाय में हमें बहुत पसंद है व्रत वाले दिन। तो यहाँ बन के रेडी हो गया है गर्मा गर्म सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी और चाय, जो तुलसी की पत्ती और काली मिर्च पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर चाय रेडी हो गई, तो बच्चे भी यही खाएंगे, हम भी यही खाएंगे, तो सबका नाश्ता हो गया। बाद में बच्चों के लिए कुछ खाना पीना बना देंगे जो वो कहेंगे। तो अभी यहाँ पे गोल और रखे हैं, थोड़ी सी बनाएंगे पकौड़ी, थोड़ी सी बच्चे खा रहे हैं, थोड़ी सी हम तल रहे हैं, फिर उसके बाद इकट्ठे निकालेंगे और बैठेंगे हम भी खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से हमें लगी है। चल रहा है, इसको हम खाने, तुमको भी खाना है तो तुम भी खा लो। ये देखो हम के गर्मा गर्म अदरक वाली चाय थोड़ी तैयार है। और कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। इस तरह से था मेरे नवरात्र का पहला दिन। भगवान जी के सारे कपड़े को धुले, माता की ढेर सारी चुनरी रहती है वो धुले, साफ़ किए, और इतना ज़्यादा थक गए थे सुबह से करते करते काम, और फिर इसलिए चले गए आराम करने के लिए। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। कहाँ कहाँ मंदिर दर्शन करने गए वो भी आप लोग को शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।